नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान पीएम ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया और राज्यों से कहा कि वे अपने राज्य में टैक्स कम करें। बता दें कि पेट्रोल डीजल पर आखिरी बार राहत करीब 6 महीने पहले मिली थी। कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार यात्रा को लेकर के कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती है, जिससे उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़े। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बता दें कि वाहनों में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर उन्हें चारधाम यात्रा पर जाने नहीं दिया जाएगा। बनने ऑफिस में शुरू हो गए हैं, सभी ऑफिस में अप्लाई किया जा सकता है और इस बार जो इसकी प्रोसेस है बहुत सिंपल है। सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बस उसके भौतिक निरीक्षण के लिए ऑफिस में गाड़ी को एक बार लेके आना होगा और प्रिंट आउट के लिए जैसे पहले लाइन में लगना पड़ता था और फोटो वेरीफाई कराना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है, आप एक बार निरीक्षण हो जाएगा उसके बाद प्रिंट भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। हम रोड की तरह आए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके, यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने में कोई असुविधा नहीं है, बड़ी सहूलियत से। बाकी गाड़ी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, गाड़ी में पूरा काम सही होना चाहिए, ग्रीन कार्ड हमारे आसानी से उपलब्ध हो रहा है, हमें कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं। 2 साल से बंद होने के कारण कोरोना काल में आर्थिक अवस्था हमारी सभी की बहुत ख़राब थी, गाड़ी वाले सभी की। अब यात्रा चली है तो हमें थोड़ी संतुष्टि भी है कि हमारा आमदनी हो सकेगी। 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। वही पुलिस ने अपने जवानों को केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों पर तैनात कर दिया है। यात्रा के दौरान पुलिस का मुख्य उद्देश्य यात्रा पड़ावों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाना और धाम सहित पैदल मार्ग पर बेहतर व्यवस्थाएं बनाना है। साथ ही यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसका भी ध्यान पुलिस प्रशासन को देना होगा। इसमें PRD और होमगार्ड के जवान भी पुलिस की मदद करेंगे। नैनीताल में 9 सांस्कृतिक सत्संग समिति रामलीला कमेटी के सहयोगी से श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन किया गया। 1 सप्ताह तक चलने वाले किंकर नमन कृष्ण महाराज के मुखार बिंदु से कृष्ण और भगवान राम के अलग अलग कथाओं का वाचन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी 308वीं भागवत कथा है, जो कि देवभूमि नैनीताल के 9 सांस्कृतिक सत्संग समिति के मैदान में की जा रही है। कुशीनगर में 1.5 दर्जन से ज़्यादा छात्र छात्राओं को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल क्लासरूम की खिड़की खोलने से नाराज प्रधानाध्यापक गणेश कुमार ने बच्चों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद AD बेसिक सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा जांच की गई, जिसमें प्रधानाध्यापक गणेश कुमार दोषी पाए गए हैं। AD बेसिक ने बताया कि आरोपी शिक्षक गणेश कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र में भैंस के खेत में जाने को लेकर के विवाद हो गया, जिसके बाद एक शख्स ने 3 राउंड फायरिंग की। इस घटना में एक साधु घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SSP ने कहा कि फायरिंग के मामले की जांच की जा रही है और उक्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम गढ़िया थाना लोनार में उदय सिंह पुत्र विशंबर सिंह है, उम्र करीब उनकी 55 साल होगी। उनके खेत में भोरे सिंह उसी गांव के हैं, उनकी भैंस घुस गई थी। इस बात को लेके दोनों पक्षों में विवाद हुआ है और उदय सिंह का ये कहना है कि भोरे सिंह के लोगों ने इनके ऊपर गोली चलाई है जो इनके जांघ में लगी है। इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, तहरीर जैसे मिलेगी उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ क्लर्क सुनील कुमार मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल महादेव झारखंडी के रविंद्र कुमार चौधरी को घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 23/4/2022 को सहायक अभिलेख कार्यालय के कर्मचारी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पत्नी के इलाज के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए उन्हीं के ऑफिस के बड़े बाबू वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।
ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल बाइक सवार बदमाश मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें चेकिंग के लिए रोका और इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। कन्नौज में डायल 112 के कर्मियों को बुलाकर पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें कि कन्नौज के बंसरा मऊ गांव में पुलिस टीम को बुलाकर पीटा गया है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बिजनौर में आगामी त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने और एक दूसरे के त्योहारों में प्यार के साथ शामिल होने के लिए प्रशासन ने पीस कमेटी की मीटिंग की, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। वहीं प्रशासन ने असामाजिक तत्व पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। यदि किसी ने भी कोई गड़बड़ी की तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।